सर्वोपरि चिकित्सा है। तो मिट्टी है, पानी है, धूप है, हवा है, अग्नि है, आकाश है, सब ईश्वर की है और सब फ्री है, कोई चार्ज पर भी नहीं। और ठीक है, आसपास होने वाले हैं प्राकृतिक चिकित्सा का बेसिकली हम लोगों ने जो अब तक अर्थ समझा है ये ट्रेडिशनल पद्धति के माध्यम से समझा है। ट्रेडिशनल पद्धति में क्या हजारों वर्ष तक आदमी बीता था, धीरे 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 अपना भैया भैया बात तत्काल लोग बजे बैठा बोल दी जाता भैया आज प्राकृतिक चिकित्सा जो हमारा पूरा वायुमंडल से लेकर जमीन और आसमान से लेकर के जितनी भी चीज़ है, जो प्रकृति की देन है, जिसको हम नहीं बना पा रहे हैं, उसका उपयोग करना अगर चिकित्सात्मक है तो उसको चिकित्सा कहा जाता है। जैसे मिट्टी, पानी, धूप, हवा, अग्नि और आकाश, ये सब हमारी बनी हुई नहीं है, इनका हम लोग चिकित्सात्मक यूज़ कर रहे हैं। बीमार होने पर जिस चीज़ का यूज़ किया जा रहा है उसको प्राकृतिक चिकित्सा कहते हैं। उसमें पेड़ पौधों से लेकर के औषधियों से लेकर के सारी चीज़ें हैं। हम लोग कौन सा तत्व जैसे जैसे कमज़ोर होता है उस चीज़ को भाव बढ़ा दें, उस चीज़ का यूज कर लें, तो वो एक चिकित्सा में आ जाता है। जैसे आपने देखा होगा कमंडल में भी पानी का, आदमी जब ऋषि मुनि चलते थे, मदहोश हो जाए, बेहोश हो जाए तो पानी के छिटके से भी व्यक्ति का जीवन हो जाता। यानी ये सब ईश्वर की चिकित्सा है। आप पानी को देवता मानते हैं, मिट्टी माँ है हमारी, हवा देवता है, आकाश भी देवता है, सूर्य भगवान देवता है, चंद्रमा देवता है, इन देवताओं की चिकित्सा है। इसमें एक और बहुत बड़ी बात है कि देवता अपना कुछ नहीं करते हैं। आपने देखा होगा राक्षस लोग भी देवताओं से वरदान मांग करके अपने आप को शक्तिशाली मानते हैं, बनाते हैं। इसलिए आपने देखा होगा पानी है, पानी देवता है। आपने दारू में डाला तो दारू के गुणधर्म बढ़ाएगा, आपने सब्जी में डाला तो सब्जी के गुणधर्म बढ़ाएगा, आपने दूध में डाला, छाछ में डाला, तो देवताओं का अपना कोई मूल्य नहीं है। आप कैसा चाहते हैं वो मूल्य, आपको आरोग्यता चाहिए, आप पानी का यूज़ आरोग्यता के साथ में करेंगे तो आरोग्यता बढ़ा देगा। आपको बीमारी के लिए यूज करना है, बीमारियां बढ़ा देंगे। इसलिए इन देवताओं का प्रयोग आपको कैसे करना है, ये बहुत बड़ी बात है। तो हम लोग सात्विक व्यक्ति हैं, ईश्वर की चिकित्सा का एक बहुत सोच समझ के ढंग के इलाज करेंगे तो ईश्वर हमारी पूरी मदद करता है। जैसे राक्षसों का मैंने उदाहरण बताया कि राक्षसों को भी कभी देवताओं ने मना नहीं किया कि हम वरदान नहीं देंगे। इसलिए हम लोग ईश्वर की संतान है, उनका चिकित्सात्मक अगर बीमार हो जाए तो हमको यूज करना चाहिए ताकि हम स्वस्थ हो जाए। इस शिविर में किस तरह के रोगियों का इलाज किया जाए? इसमें ज़्यादातर कमर दर्द, घुटने दर्द के रोगी हैं। इसके अलावा डायबिटीज वाले हैं, मोटापे वाले हैं, थायराइड वाले हैं, अनिद्रा वाले हैं, प्रोस्टेट वाले भी हैं, इस तरह के बीमार यहाँ पर। जैसा आपने कहा कमर दर्द और घुटने का, जी तो किस तरह से इलाज होता है? देखिए कमर में और घुटने में ज़्यादातर तीन चार समस्याएं होती हैं। जैसे एक तो कार्टिलेज होता है, कार्टिलेज घुटने में भी वही होता है जो कमर में होता है। बेसिकली ये हाइलिन नाम का एक कार्टिलेज होता है बॉडी में, जो चार जगह पाया जाता है। जिनको भी यानी घुटने की समस्या होगी उनको चार समस्याएं होंगी, जैसे घुटने की समस्या, यूरिन की समस्या क्योंकि यूरिन का पार्ट भी उस हाइलिन से बनता है, श्वास फूलने की समस्या और हार्ट में ब्लॉकेज होने की समस्या। तो चारों समस्याएं हो रही तो या तो चार डॉक्टर ढूंढ लीजिए या एक ही हाइलिन कार्टिलेज को बनाने का प्रयोग कर लीजिए। हाइलिन एक ऐसा
कार्टिलेज है जो अपने वजन से चार गुना अधिक वजन उठाने की क्षमता रखता है। तो जैसे ही हाइलिन कमज़ोर होगा, यूरिन का जो भाग है वो हाइलिन से बनता है, वो कमज़ोर होगा तो यूरिन का फोर्स कम हो जाएगा, यानी पेशाब तो आएगा लेकिन फोर्स नहीं आएगा। हार्ट है, पंप तो करेगा लेकिन उतना बल नहीं होगा। लंग्स है, पंप तो करेगा लेकिन उतना बल नहीं होगा, तो सांस फूलने लग जाएगा बोलते समय बैठते समय। तो हाइलिन का इलाज करें या आप अलग अलग बीमारियों का इलाज करें। हाइलिन का इलाज किया तो सब चीज़ एक साथ ठीक हो जाएगी, हाइलिन का नहीं किया तो हम पार्ट में डॉक्टर बदलते हैं और इलाज जिंदगी भर चलाते हैं। भवन ट्रस्ट और अग्रवाल समाज की ओर से गोरखपुर में आज शिविर लग रहा है। कंचन सेवा संस्थान के माध्यम से हमको एक सेवा का सुअवसर यहाँ मिला है, तो मैं अध्यक्ष साहब से लेकर के उनकी पूरी टीम का आभार व्यक्त करता हूँ और गोरखपुर वासियों से निवेदन करता हूँ कि यदि आप हताश है, निराश है, असहाय है, बरसों से बीमार है, आप ये मान बैठे हैं कि मैं कभी ठीक नहीं हो सकता, ऐसे उम्र भर तिल तिल मरने को मजबूर लोगों के लिए इस ईश्वरीय चिकित्सा का ज़रूर उपयोग करें तो आप स्वस्थ हो जाएंगे और आप ठीक हो जाएंगे। धन्यवाद। सुखी सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कस्य दुख भागवे। प्रत्येक मानव का जीवन सुखी रहे इसके लिए एक आयुर्वेद के जो अंग है, जो प्राकृतिक चिकित्सा है, उसके द्वारा रोगी को किस प्रकार स्वस्थ रखा जा सके, उसको रोग ही नहीं हो, उसको प्राकृतिक चिकित्सा ऐसी करें जो स्वस्थ रह सके, उसी को ध्यान में रखते हुए अग्रवाल भवन ट्रस्ट के द्वारा जो ये कैंप लगाया गया है प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा, वो कंचन सेवा संस्थान उदयपुर के डॉक्टर छेनियाजी शर्मा एवं डॉक्टर रामोतार शुक्ला एवं सारी टीम के द्वारा प्रत्येक रोगी का गहन परीक्षण करके और उसकी प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा उसका उपचार किया जाए। शिविर में किस तरह के रोगियों का इलाज किया जाए? सर्वप्रथम इसमें जानूसूल, जिसको बोलते हैं घुटने का दर्द है, कटीसूल कमर का दर्द है, स्कंदसूल, इसमें सभी प्रकार के जितने भी स्तंधिवात रोग हैं, बात रोग है 84 प्रकार के जो बात रोग बताए हैं उनमें स्तंधिसूल और जो भी आम सूल होते हैं उनका उपचार किया जा रहा है। जैसा देखा जाए प्राकृतिक चिकित्सा से लोग दूर भागते हैं, उसमें क्या है? उसमें आज की भाग दौड़ की ज़िंदगी में हर व्यक्ति ये चाहता है कि मैं कम से कम परिश्रम करके और स्वस्थ रह सकूं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। व्यक्ति को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम भी करना पड़ेगा, प्राकृतिक शिक्षा भी लेनी पड़ेगी, उसी के साथ ही उसको दिनचर्या, ऋतुचर्या, रात्रिचर्या, इसका भी उसका उसको प्राकृतिक कार्य करना पड़ेगा, उसके अनुसार चलेगा तो ही ठीक होगा। क्या नाम? डॉक्टर रामोतार शुक्ला। हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि उदयपुर से कंचन सेवा संस्थान जो प्राकृतिक चिकित्सा का जो है लोगों को कमर दर्द, घुटना दर्द निवारण प्राकृतिक चिकित्सा शिविर द्वारा आयोजित होता है, वो उदयपुर से डॉक्टर डॉक्टर शर्मा जी हैं और उनकी पूरी टीम है। तो आप लोग 7-8 लोग 10 लोग आए हैं यहाँ पर, निश्चित रूप से 11-12-13 तीन दिन का यह शिविर है अग्रवाल भवन आर्य नगर में, और आज से प्रारंभ हुआ है यह शिविर। लोगों को इसका लाभ मिले इसलिए यह शिविर यहाँ लगाया गया है। तो यह अग्रवाल भवन ट्रस्ट जो है सदैव सेवा के कार्यों में आगे रहता है और निश्चित रूप से अग्रवाल समाज गोरखपुर का काफ़ी बड़ा समाज है और यह अग्रवाल भवन भी सैकड़ों वर्षों पुराना है और सेवा यह ट्रस्ट भी इसीलिए बना हुआ है कि लोगों की सेवा किया जाए, लोगों की शादी विवाह सभी कार्य होते हैं, उसी श्रृंखला में हम लोग और भी शिविर हर साल कुछ न कुछ करते रहते हैं। हमारी अग्रवाल महिला विंग है, वो लोग भी समाज सेवा में कार्य करती है। तो यह हमारा ट्रस्ट जो है, ये कंचन सेवा संस्थान जो है उदयपुर से आए हैं और इनके द्वारा
यह जो है चिकित्सा डॉक्टर छैल बिहारी शर्मा जी हैं और डॉक्टर राम अवतार शुक्ल जी हैं, इनके निर्देशन में ये पूरी टीम कार्य कर रही है और 3 दिन तक मतलब यह कार्य होगा। जिन भाई बहनों को सब लोगों को घुटने में दर्द हो, कमर में दर्द हो या किसी तरह का दर्द हो, तो यह प्राकृतिक चिकित्सा मतलब द्वारा जो है इसमें मिट्टी का लेप करके, अलग तरह की मिट्टी होती है उसका लेप कर करके उसके पद्धति से जो है चिकित्सा पद्धति से कार्य हो रहा है। निश्चित रूप से डॉक्टर साहब का कहना है कि 100% नहीं तो 50-60% लोगों को अवश्य लाभ मिलेगा। आजकल आदमी अंग्रेजी दवा के पीछे बहुत भागता है, चाहता है इमीडिएट हमको रिलीफ मिल जाए, और वह पेन किलर जो मिलता है वो साइड इफ़ेक्ट करता है। निश्चित रूप से हम सब उसका जो है बहुत नुकसान करते हैं, लेकिन इसमें कोई नुकसान नहीं होगा ना कोई साइड इफ़ेक्ट है। तो आदमी को प्राकृतिक चिकित्सा का प्रयोग करना चाहिए और इसको करके अपने जीवन को, आजकल का समय जो है शरीर को बहुत हर तरह का हानि पहुंच रहा है, तो ये प्राकृतिक चिकित्सा से कोई हानि नहीं होगा, उसका लाभ मिलेगा। शरीर स्वस्थ रहेगा, निरोग काया रहेगी, तो हर आदमी अपने आप में काम करता है और शरीर जब स्वस्थ रहेगा तो अपने जीवन में आगे बढ़ता है। निश्चित रूप से हम आम जनमानस से, सभी भाई बहनों से यही अपील करेंगे कि अग्रवाल भवन आर्य नगर में आकर के एक कंचन सेवा संस्थान जो प्राकृतिक चिकित्सा का कैंप लगा है, इसमें सुबह 8 बजे से लेकर के शाम को 5 बजे तक यह कार्यक्रम हो रहा है। तो अभी आज 11 तारीख है, आज शुरुआत हुआ है, आज 11, 12, 13 3 दिन का शिविर है, तो इसका आकर के लोग लाभ लें, यही मेरी सबसे अपील है आपके माध्यम से। हम आम जनमानस से यही आग्रह करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को, बहुत धन्यवाद। देखिए, कंचन सेवा संस्थान उदयपुर ने आज ये कार्यक्रम अग्रवाल भवन पे आयोजित किया है। अग्रवाल भवन को मैं इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने इस तरह के कार्यक्रम को सोचा और कंचन सेवा संस्थान को इस बात के लिए बहुत बहुत बधाई और उनको बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने इस शहर गोरखपुर में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्राकृतिक चिकित्सा एक ऐसी चिकित्सा विधि है जिसमें केवल व्यायाम और प्राणायाम के माध्यम से जो है इन चीज़ों का, एक विभिन्न बीमारियां जो है उन पे हम नियंत्रण पा सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप सारी दवा छोड़ दें, लेकिन अगर आप एक प्राकृतिक चिकित्सा को साथ में अपनाएंगे तो निश्चित तौर से एक उसका एक बहुत बड़ा लाभ आपको ज़रूर मिलेगा। और उससे भी ज़्यादा मैं ये समझता हूँ कि जो है एक तो जितनी भी कोई भी इसमें ऐसी चीज़ें नहीं हैं जिसका कि कोई साइड इफ़ेक्ट हो, जैसे बहुत सारी दवाइयाँ जो है हमारे जो खाते हैं उस पर कई बार उसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, किडनी डैमेज की प्रॉब्लम्स बहुत सारी बढ़ती जा रही हैं, इसी तरह से जो है कैंसर के भी जो काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ हमारे जो खाने में और दवाइयों में उनका ये प्रभाव है जिसको आप दुष्प्रभाव कह सकते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो निश्चित तौर से इस प्राकृतिक चिकित्सा विधि में अगर आप उसको खास तौर से एक सही ढंग से करते हैं तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो इसलिए मैं ये सभी से अनुरोध करूँगा, मैं तो जहाँ भी जाता हूँ और कई बार स्कूल के बच्चों को भी ये प्रेरित करने की कोशिश करता हूँ कि जो है अपने जीवन में व्यायाम बहुत आवश्यक है, और वही व्यायाम अगर आप सही तरीके से करते हैं तो इसी को आप प्राकृतिक चिकित्सा कहते हैं। तो निश्चित तौर से ये एक बहुत उत्तम विधि है और गोरखपुर में ये आयोजित है। मैं समझता हूँ कि सभी को इसका, जो भी इसको भी आवश्यकता है उसको ज़रूर लाभ उठाना चाहिए और सभी को सीखना चाहिए, क्योंकि ये आपके जीवन में अगर आप नॉर्मल रहते हैं और इन चीज़ों को करते रहते हैं। तरीके से प्राणायाम और इन चीज़ों पे रहे उनको एक बेहतर रिजल्ट मिला, बस इसी जैसा देखा जाता कि लोग